बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। टुडे इज़ 9th of April एंड द ईयर इज 2021। ये देखें, जब भी हम काम करेंगे सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे इस कॉर्नर पर, ठीक है जी। आज का जो हमारा लेटर है वो है डी ड, डी ड, ड डॉग, ड डॉग। ये देखिए आप, सबसे पहले हम करेंगे ट्रेसिंग। ये देखिए, ये थ्री लाइंस हैं और इस पर हम करेंगे ट्रेसिंग की प्रैक्टिस। ये देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और फिर ये शेप ही देखिए, कर्व। ये कौन सी शेप है? कर्व शेप है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए कर्व शेप एंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व शेप। ये देखिए इस तरह से, जब आप प्रेसिंग करेंगे तो आपके हाथ में शिवर नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा अपना हाथ शिवर करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा कर्व में लेकर जाएंगे, तो ये आपकी सारी शेप ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, मेरे हाथ की तरफ देखें, मैं आपको कैसे लिखना सिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, सबसे पहले आप इन थ्री लाइंस में आप प्रेसिंग की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ तक, और नीचे अब हम आएंगे सेल्फ पर। अब आप गौर से आप देखिए, यहाँ पर आपको टू डॉट्स नज़र आएंगे। इस डॉट से हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाई? एक स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए इस तरह से, फिर इस डॉट से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और फिर इस डॉट के पास जाकर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये वाली जो शेप है आपने देखा होगा, अभी हमने ख सीखा है, तो ये जो ख का है ये उसको ऑपोजिट है। ये देखिए हाफ सर्कल, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए, फर्स्ट लाइन को छोड़कर सेकंड वाली लाइन पर ये देखिए कर्व शेप, और फिर इसको हम बंद कर देंगे स्ट्रेट लाइन से इस तरह से। दोबारा मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस डॉट से स्टार्ट करेंगे ऐसे, और फिर इस तरह से, ठीक है। दोबारा से देखिए, देखिए छोटा सा एक हाफ सर्कल, और फिर स्ट्रेट लाइन के साथ इसको हम बंद कर देंगे। इस तरीके से आप लिखते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, और फिर इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। और जब आप पूरा पेज कंप्लीट कर लेंगे तो इस पेज पर जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे डॉग बना हुआ है, आप उसमें कलर करेंगे। कलर करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके कलर्स लाइन से बाहर ना जाएं। ये डॉग है, डॉग में आप ऐसा कीजिएगा लाइट ब्राउन कलर यूज़ करें, इतना प्यारा सा डॉग बन जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर, ये देखिए ये क्या बना हुआ है? डक। ये क्या है? डक। यहाँ देखिए, दोबारा से यहाँ पे डेट डालेंगे हम, यहाँ पे डेट डालेंगे। यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आगे हम क्या लिखेंगे? राइटिंग। जैसे कि पहले भी हम लिख चुके हैं, ये देखिए राइटिंग। इस तरीके से मदर्स यहाँ बच्चों को लिख कर देंगी, छोटे बच्चे हैं, खुद से उनके लिखना पॉसिबल नहीं है, आप उनको यहाँ पे राइटिंग लिख कर दीजिए इस तरह से। बच्चों को फर्स्ट लाइन में यहाँ पर डी ड लिख कर दें थ्री टाइम्स इस तरह से, 1, 2 और 3 टाइम्स बच्चों को ड लिख कर दें। और इस तरीके से बच्चों को टू टू डॉट्स डाल दें,
ऐसे। और इस तरीके से आप इस पूरे पेज को कंप्लीट करवाइए। डॉट्स आप इसलिए डाल के देंगे ताकि बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट वे में काम करें। अक्सर बच्चे लिखते लिखते थोड़ा उनको पता नहीं चलता और वो थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं, इसलिए अगर आप उनको डॉट्स डाल देंगे। ऐसे बच्चे जिनको बहुत अच्छे तरीके से लिखना आ गया, आप उनको जस्ट वन इनिशियल डॉट भी डाल कर दे सकते हैं। ऐसा बच्चा जिस जो अभी लिख नहीं पा रहा, उसको लिखने में थोड़ी दिक्कत है, तो आप उनको टू डॉट्स भी डाल के दे दें। इस तरीके से बच्चों को डॉट्स डाल के दे दीजिए ताकि बच्चा इस पूरे पेज को कंप्लीट कर ले। पहले डॉग की पिक्चर थी और यहाँ पर डक है। डक में आप येलो कलर कर लीजिए, इसकी जो ये देखिए चोंच है उसमें आप रेड कर लें और इसके फेदर्स में आप प्यारे से कलर करें। लेकिन कोशिश करें कि आपके ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा लगे, प्यारा लगे और बाहर ना निकले इसमें कलर्स। इस तरीके से आप ये डक का पूरा पेज कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कि डक का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।